नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। इन दिनों सरकार और प्रशासन रोजगार देने की वजह रोजगार छीनने का अभियान चला रखी है। रसूखदारों के दबाव में आकर उन परिवारों को भुखमरी की कगार पर धकेला जा रहा है। बेरोजगार किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण तो कर रहे हैं, जिनकी नौकरी राजनीतिक दबाव के चलते छीनी जा रही है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में यह सिलसिला जारी था और अब सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से भी एक मामला सामने आया है। मामला पनवार विकासखंड जवा का है, जहां अजय कुमार कुशवाहा अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षक को हटाकर महिला को नियुक्त किया गया, जो एक ही समय में नौकरी के साथ साथ विश्वविद्यालय में नियमित कोर्स कर रही हैं। पीड़ित अब कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाकर न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित शिक्षक ने बताया कि शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय पनवार विकासखंड जवा में उसकी नियुक्ति अतिथि व्यवसाय प्रशिक्षक के रूप में ITI ट्रेड में हुई थी। उनकी ये नियुक्ति 11 नवंबर 2019 को हुई, जहां उसके द्वारा अध्यापन कार्य कुशलतापूर्वक किया जा रहा था, किंतु 2020-21 में प्राचार्य के द्वारा बिना कारण बताए ही क्षमा तिवारी को उसके स्थान पर व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में रख दिया गया है। इतना ही नहीं, छात्रों से खाली पेज पर दस्तखत करवाए गए और उस कागज में लिखा गया कि उक्त छात्र शिक्षक से पढ़ना नहीं चाहते। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे शिक्षक ने अपनी पीड़ा सुनाई है। आपका? अजय कुमार कुशवाहा। कहाँ से आए आप? पनवार से आए। आज कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या अब अपने वही पुराने प्रकरण में आए हैं, जिसे स्कूल में पढ़ा रहे थे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पनवार में, हमें वहाँ से हटा दिया गया। और जिस लड़की को हमारी जगह नियुक्त किए हैं, कुमारी क्षमा तिवारी, जो मदरी की हैं, तो अब देव प्रताप विश्वविद्यालय से MSc CS कर रही हैं और यहाँ स्कूल में विद्यालय में पढ़ा भी रही हैं। तो किस कारण से हटा दिया गया क्या? अब ये बताया जा रहा है कि बच्चों पढ़ना नहीं चाहते हैं, और बच्चों का ये कहना है कि वहाँ के प्राचार्य ने और कुछ शिक्षक मिलके बच्चों से खाली पेज में सिग्नेचर करवा लिए हैं। और हम जब बच्चों ने हमें भी लिखित दिया है कि वो जो खाली के पेज में सिग्नेचर करवाए हैं, तो हम लोग बिना बताए, मतलब कारण नहीं बताए कि किस कारण से सिग्नेचर करवाया जा रहा है। बच्चे ने हमें लिखित दिया कि बिल्कुल हमें कोई पढ़ने से दिक्कत नहीं थी, और ये भी बोल रहे हैं कि सर आप आइए, एक आवेदन हमारे पास है, अब बच्चों ने इसमें सिग्नेचर भी किए हुए हैं। अभी आप कलेक्टर साहब से क्या चाहते हैं? हम कलेक्टर महोदय जी से ये चाहते हैं कि इस विषय में अच्छी तरह से जांच हो। कलेक्टर साहब के से यही निवेदन करेंगे कि जो इसमें सही तरीके जांच हो, क्षमा तिवारी के ऊपर भी जांच की जाए, प्रचार के ऊपर भी जांच की जाए, अगर इन्होंने ऐसे गलत काम किया क्यों, और BO जो जगन्नाथ गौतम जी थे, उन्होंने बच्चों से सहमत क्यों नहीं ली, उनसे पूछें क्यों नहीं, जब जाँच करने आए उन्हें बच्चों से भी पूछना चाहिए था, लेकिन स्कूल आए और जो वहाँ प्राचार वहाँ के लिख के दे दिए, वही वो DO ऑफिस भेज दिए। आज कलेक्ट्रेट में हमारे साथ अजय कुमार कुशवाहा जी, ये पनवार विद्यालय में प्रशिक्षक के रूप में थे, तो इन्हें हटाकर, इनके प्राचार्य देवेंद्र कुमार पाठक जी, इनको हटाकर एक लड़की हैं कुमारी क्षमा तिवारी, उनको नियुक्त कर दी गई। और उनकी नियुक्ति में के बाद कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि वो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में MSc CS भी कर रहे हैं, और उसके बाद ये तमाम कलेक्टर कमिश्नर हर जगह आवेदन देते रहे, और ऐसा करते लगभग आज एक साल हो गया। और DO साहब ने एक कमेटी बनाई, DO जगनायक गौतम जी गए उसमें, और उन्होंने जांच किया, और जांच का आधार ये बनाया कि लड़के इनसे संतुष्ट नहीं हैं, पढ़ना नहीं चाहते, और इस आधार पर उन्होंने इनको हटाना सही पाया। और जबकि छात्रों के हाथ से लिखा हुआ पत्र जो सर के पास है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि हम सर का पढ़ाने का तरीका, या सर को हम लोग पसंद करते हैं पढ़ाने के रूप में, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैं संतोष कुमार पांडे। क्या करते थे भैया? मैं कृष्णा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमरिया में वर्ष 2000 से आज तक टीचिंग कार्य करता था। अभी पता चला कि आपको निकलवा दिया गया वहाँ से, पूरा मामला क्या है, किसके कहने पर क्या स्थिति हुई? बात ये हुई कि पिछले रविवार को मीडिया द्वारा एक विधानसभा सिमरिया का सर्वे कार्य किया जा रहा था, विकास कार्य का। हमसे पूछा गया कि आपके विधानसभा में वर्तमान विधायक द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए, तो जो सच्चाई थी उसको मैंने उनके सामने उजागर किया कि वर्तमान विधायक द्वारा तो कुछ कार्य नहीं हुआ है, जो कुछ भी कार्य है पुराने विधायक माननीय अभय मिश्रा जी द्वारा कराए गए थे।
चाहे जो भी बड़ा कार हो सिमरिया का, नवीन कॉलेज, झलवार पुल और बधरा पुल, सिमरिया बाईपास, सिमरिया का कचड़ा जो गाठी भर रहता था उसको विधायक जी ने टाल दिया, तहसील का दर्जा दिलवाया और इन्हीं सभी कार्यों को वर्तमान विधायक अपना विकास कार्य बता करके लोगों से ताली बजवाते हैं। हमारी साजिश रचा आपको हटवाने के लिए, हमारी प्रकृति थी कि झूठ ना बोलना, हम झूठ नहीं बोलते थे, जो सच्चाई थी उजागर कर दिए। इसके पहले भी एक बार मीडिया के सामने हम बसामन मामा में थोड़ा उनके जो कार्य हुए थे उनके कार्यों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, तो माननीय विधायक जी असंतुष्ट थे। हमारे विद्यालय प्रबंधन के ऊपर प्रारंभ से ही वो दबाव बना रहे थे कि उनको बोलिए इस तरह का हमारे विपक्ष में कहीं भी प्रतिक्रिया ना दें। दबाव बनाया गया, उस दिन हम उनके विपक्ष में तो नहीं सच्चाई उजागर किया था और अभद्र शब्दों का मैंने प्रयोग भी नहीं किया था। फिर वो सत्ताधारी है, जो सत्ता में बैठता है उसका विरोध होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे पौराणिक कथाओं में भगवान श्री रामचंद्र जी भी जब सत्ता में आसीन हुए, सम्राट बने, तो प्रजा ने उनका भी विरोध किया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रजा का वध नहीं कर दिया था, बल्कि अपने कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने माता सीता को ही वनवास निष्कासित कर दिया और यह साबित किया कि माता सीता निष्कलंक है। लेकिन विधायक जी द्वारा तो जो उनके विरुद्ध आवाज़ उठाता है उसका वध कर दिया जाता है। कुछ और स्टाफ है उनको निकाल दिया गया है। हाँ, इसके पूर्व फेसबुक पर एक अंग्रेजी के टीचर थे विष्णु प्रताप शुक्ला, वो भी ऐसे ही इनके कार्यों का विरोध कर देते थे, सच्चाई उजागर कर देते थे, तो उनको भी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।